फिल्म पद्मावती पर हो रहे विवाद के मद्देनजर संसदीय कमेटी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। संसदीय कमेटी के अध्यक्ष भगत सिंह कोश्यारी ने इस मामले पर नोटिस जारी किया है। दरअसल पद्मावती फिल्म के खिलाफ राजपूत समाज नेताओं क्षत्रिय संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के बाद फिल्म की रिलीज डेट पहले ही टल चुकी है। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने कहा कि फिल्म की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सर्टिफिकेट देने में 68 दिन लग सकते हैं। बंसाली की फिल्म पद्मावती के विरोध में MP, राजस्थान, पंजाब और UP ने कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ है। इन राज्यों ने कहा है कि जब तक फिल्म से आपत्तिजनक सीन्स को हटाया नहीं जाएगा तब तक राज्य में फिल्म रिलीज नहीं हो पाएगी। गोवा में IFFI के कार्यक्रम के दौरान सुधीर मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से प्रदर्शनकारियों को विरोध करने का अधिकार है उसी तरह डायरेक्टर को भी अपनी सोच व्यक्त करने का अधिकार है। हम फिल्म बनाने के लिए अपने अधिकार के लिए एक साथ खड़े हैं। आप फिल्म का विरोध कर सकते हैं लेकिन बतौर फिल्म मेकर हमारे अधिकार का हनन नहीं कर सकते। बता दें कि पद्मावती पर सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने भंसाली के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की आदत हो गई है। उन्होंने कहा कि जितनी गलती प्रदर्शनकारियों की है उतनी ही गलती संजय लीला भंसाली की भी है। We'll be right back.